सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IELTS के ऊपर। बेसिकली IELTS होता क्या है, कैसे बुक करते हैं, कितना पैसा लगता है और IELTS में कितना मॉड्यूल्स रहता है और हर एक मॉड्यूल्स का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स आता है, कितना टाइम मिलता है आंसर करने को, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो यू कैन ऑल्सो कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो IELTS बेसिकली होता क्या है? IELTS को बोला जाता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, विच इज IELTS। तो IELTS में बेसिकली आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आप कितना अच्छे हो इंग्लिश में, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। ये चार चीज़ का वहाँ पे टेस्ट होता है। सो बेसिकली दो टाइप का टेस्ट होता है IELTS में, एक होता है जनरल और एक होता है एकेडमिक्स। सो जनरल पहले हम बात करेंगे। जनरल वो होता है जिन लोगों को जॉब चाहिए, जॉब सर्च कर रहे हैं और जॉब रिलेटेड काम के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो लोग जनरल देते हैं। और एल्स जो लोगों को PR चाहिए, जो परमानेंट रेसिडेंट लाइक कैनेडा हो गया या फिर अदर कोई कंट्री में कोई प्रोसेस है, तो उसके लिए जनरल टेस्ट होता है। और एकेडमिक्स जो होता है वो हायर स्टडी के लिए होता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अभी हम जनरल और एकेडमिक्स दोनों का बात करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सो स्किप ना करके एंड तक वीडियो को देखना। सो बेसिकली होता है क्या है, चार मॉड्यूल जो होता है वो सेम जनरल के लिए होता है और एकेडमिक्स के लिए भी होता है। जो पहला टेस्ट होता है वो होता है लिसनिंग का, देन होता है रीडिंग का, देन होता है राइटिंग का। ये पहला हो गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो हो गया स्पीकिंग का, जो कि इंटरव्यू होता है। जो IELTS होता है बुक कर सकते हो IDP या फिर ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। जो प्राइस रहता है वो करीब करीब 15,000 रहता है। सो अभी हम बात करेंगे इंडिविजुअली हर एक मॉड्यूल के ऊपर। सो पहले स्टार्ट करेंगे लिसनिंग से। सो लिसनिंग जो होता है वो 40 क्वेश्चंस रहता है 40 मिनट्स के लिए। उसमें चार सेक्शंस रहता है और वो वेरी करता है जो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। जो पहला सेक्शन होता है वो ईजी रहता है और जो लास्ट वाला सेक्शन होता है वो ज़्यादा हार्ड रहता है। सो अभी बात करेंगे लिसनिंग टेस्ट होता है कैसे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को एक हेडफोन प्रोवाइड किया जाता है और उस हेडफोन के थ्रू एक ऑडियो प्ले किया जाता है। उस ऑडियो रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन सीट में रहता है और आपको उस ऑडियो को ध्यान से सुनना रहता है और उसमें जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना रहता है। क्वेश्चन सीट में सारे के सारे आंसर लिखना है और बाद में जो 10 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन सीट से आंसर आपका जो आंसर सीट में कॉपी करना रहता है। अभी क्वेश्चन आया है कि उस ऑडियो में होता क्या है। सो ऑडियो में क्या होता है कि आप लोगों को एक कन्वर्सेशन जो होता है सुनाया जाता है। जैसे कि हो गया, आप एक रिसेप्शनिस्ट से बात करें होटल बुकिंग का रिलेटेड, और उसमें जो कन्वर्सेशन है उस सेम कन्वर्सेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें सेम कन्वर्सेशन का क्वेश्चन ही है और वहाँ पे जो डैश रहता है उसको फिल करना रहता है। ऐसे कि लाइक आपको सुनना रहता है कि कस्टमर वो क्या नाम बोल रहा है उसका और उसका स्पेलिंग क्या है, और उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको आपको पूरा का पूरा छापना है, सुनना है और लिखना है। वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बस ध्यान से सुनना रहता है। कंसंट्रेशन वहाँ पे बहुत काम करता है, हेल्प करता है आंसर लिखने में। ये हो गया लिसनिंग मॉड्यूल के ऊपर। सो अभी बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। जो रीडिंग मॉड्यूल होता है वो होता है 60 मिनट के लिए। वो तीन सेक्शंस रहता है, बोथ फॉर जनरल एंड एकेडमिक्स। सो जनरल के लिए हर एक सेक्शन में दो टेस्ट रहता है और वहाँ से आपको आंसर लिखना रहता है, जो कि एकेडमिक्स के लिए वो हर एक सेक्शन में एक एक पैसेज रहता है और आपको बड़े बड़े पैसेज रहते हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और पैसेज से आंसर ढूंढ के वहाँ पे आंसर लिखना है। उसका एक तरीका रहता है कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि आपको जल्दी आंसर मिल जाए। 60 क्वेश्चंस शायद रहते हैं और 60 मिनट में आपको सब आंसर करना रहता है। तो जैसे मैंने लिसनिंग के लिए बोला, यहाँ पे भी तीन सेक्शन में डिफ़िकल्टी लेवल इजी से हार्ड तक जाता है। जो फर्स्ट वाला सेक्शन रहता है वो थोड़ा काइंड ऑफ इजी होता है, जो सेकंड सेक्शन रहता है मॉडरेट काइंड ऑफ होता है, जो थर्ड वाला रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। ये हो गया रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। आपको आंसर जो है पैसेज से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अभी हम बात करेंगे राइटिंग के ऊपर, कैसे जनरल में होता है और एकेडमिक्स में होता है। सो बेसिकली राइटिंग टेस्ट जो होता है वो 60 मिनट के लिए होता है। राइटिंग टेस्ट दो टाइप का होता है, Type 1 and Type 2। Type 1 के लिए आप लोगों को 20 मिनट्स मिलता है, जबकि Type 2 के लिए आपको 40 मिनट्स मिलता है। सो जनरल के लिए Type 1 में आप लोगों को एक लेटर लिखना रहता है, जिसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल वहाँ पे आपको मेंशन किया जाता है और उसी हिसाब से आपको लिखना रहता है। और Type 2 में आपको एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना रहता है। और एकेडमिक्स के लिए
जो टाइप वन होता है उसमें आपको सेम 20 मिनट मिलता है, और उसमें आप लोगों को एक डायग्राम और या फिर कोई यू नो ग्राफ दिया जाता है, और उसको वहाँ से आप लोगों को डाटा जो होता है आपको कलेक्ट करना रहता है, और उसके ऊपर एक यू नो उसके ऊपर उसको समराइज करके लिखना रहता है जो कि 20 मिनट का रहता है। और जो बाकी जो सेकेंड टाइप होता है उसमें आपको एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना रहता है और वो 40 मिनट्स का रहता है। सो ये था राइटिंग टेस्ट के ऊपर। सो अभी हम बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल कैसे काम करता है। स्पीकिंग टेस्ट जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है जो कि 11 मिनट से लेकर 14 मिनट तक चलता है। उसमें भी तीन सेक्शंस रहता है। पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन जिसमें आपको इंट्रोड्यूस करना रहता है। सेकंड सेक्शन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उससे पहले उस टॉपिक के ऊपर आपको एक मिनट का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और दो मिनट आपको नॉन स्टॉप उसके ऊपर बोला रहता है, और वो दो मिनट में आपको कोई जो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं करता है, आपको पूरा कम्प्लीटली बोलना रहता है दो मिनट के लिए। और जो थर्ड सेक्शन होता है आपको उस टॉपिक के ऊपर जो आप सेकंड सेक्शन में बोले हो उसके ऊपर क्वेश्चंस वो पूछते हैं और आपको आंसर करना रहता है। 5-6 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, बस इतना रहता है आपका स्पीकिंग टेस्ट। सो आपको फ्रेंडली बात करना है जैसे कि आप एक इंटरेक्शन कर रहे हो आपके दोस्त के साथ। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से लेके टॉपिक एक तुम्हारा दोस्त पूछ लिया और उस टॉपिक के ऊपर आप उस वो दूसरे को बोल रहे हो इंग्लिश में। तो ये था IELTS और इसका चार मॉड्यूल के ऊपर। सो ये पहला अप्रोच रहता है अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो या फिर जॉब रिलेटेड जाते हो। तो मैं पूरा स्टडी रिलेटेड एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तो ये है पहला पार्ट। तो ये आपको एक जनरल बेसिक आइडिया दे देगा IELTS के ऊपर। सो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो उस वीडियो में मैं फिर सेकेंड स्टेप जो होता है आपका अप्रोच क्या रहना क्या होना चाहिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो होप यू गाइस डूइंग वेल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।